हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में प्रैक्टिस सेट करेंगे एसएसटी का, ठीक है। सेट 11 है ये हमारा, और प्रैक्टिस पेपर आपका है 6, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर 6 है और सेट 11 है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी ये? 2 सितंबर को। डेट भी पूछी जा सकती है, इसलिए डेट भी याद रखना ज़रूरी है, 1946। और किसके सजेशन पे बनी थी? कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट इसमें कौन इसमें से मेंबर नहीं है? तो B.R. अंबेडकर इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर, ये सब इसके मेंबर थे। और भी बहुत सारे थे, राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, बहुत सारे थे। तो उनकी लिस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। तो B.R. अंबेडकर इसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोम्पेन कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो शोम्पेन जो ट्राइब्स है ये है अंडमान निकोबार। कन्फ्यूज़न ये होता है कि अंडमान में या निकोबार में, क्योंकि कहने में हम लोग अंडमान निकोबार एक साथ बोलते हैं, तो ये है निकोबार में ट्राइब है। और इसने 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुआ था, तो उसमें इसने सबसे पहले वोट किया था, फर्स्ट टाइम इसने वोट किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम वोट किया था लोकसभा इलेक्शन में 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन जो है वो किसके हाथ में है? वो है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के हाथ में। किस तरह से हम कहेंगे, अगर हम पावर्स की बात करें तो आर्टिकल के थ्रू हमें सारी पावर्स पता होती हैं। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 पावर देता है हाई कोर्ट को, कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ भी होगा तो ये इस पावर के थ्रू क्या कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है, रिट्स निकाल सकता है, ठीक है। ये आम पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा और या फिर दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जो प्रेसिडेंट हुए तो सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद सेकंड नंबर के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्हें कहा जाता है दार्शनिक राजा या फिर दार्शनिक शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, इसमें PM भी आते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में दो फर्क होता है, मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं और साथ में PM भी आते हैं, ठीक है, ये लोग आते हैं। और जो यहाँ पर इसकी बात की गई है, और जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री परिषद की बात जब आती है तो वहाँ पे जब पूछेंगे तो वहाँ पे प्रधानमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं, इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर और सब मिनिस्टर वो सब होते हैं, इसमें सब आते आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें, कैबिनेट की बात करें, तो आएंगे इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री और PM प्रधानमंत्री आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो देखिए, दो होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये उपाध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? इसका टारगेट जो ईयर है वो है 2030 तक इसे कम्प्लीट करना है इस गोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वो है, वो फैजी के निर्देशन में हुआ है। देखिए, महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ है वो फैजी के निर्देशन में हुआ है। और अगर ये रामायण का भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, रामायण का जो अनुवाद हुआ है वो किया है बदायूनी ने, ठीक है, बदायूनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इसको मैच करना है, पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 में, ठीक है, 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था आपका 1576 में, ठीक है, 1576 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध ये बाबर का जो रेगुलर होते हैं 1192 में हुआ था, 91, 92, 93 ऐसे करके हुआ था। तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध अब एक विशेषता है 1601 में हुआ था, ठीक है। मैचिंग में ये होता है कि अगर एक दो एक नए भी पता है तो भी काम हो जाता है, तो यहाँ से मैच कर लेगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड समैरिटन किसे कहते हैं? देखिए गुड समैरिटन एक तरीके से समझ लीजिए मूवीज़ या टीवी सीरियल में जो हीरोज़ होते हैं, ठीक है, हीरो या हीरोइन जो भी कह लें आप, तो जो क्या होता है एक्सीडेंट जैसे हो जाता है रोड पर किसी भी, तो उससे कोई हम जानने पहचाने वाला नहीं होता है, वो उसका कोई ज़रूरी नहीं है रिलेटिव वो, है ना। तो एक अनजान की मदद करना उसी टाइम पर, एट अ टाइम फ़ौरन उसकी हेल्प करना, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? गुड समैरिटन कहते हैं, यानी कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाला व्यक्ति को कहते हैं। सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, कोई जान पहचान नहीं होती है, एक अनजान की बिना किसी अपने मतलब के मदद करना, हेल्प करने को गुड समैरिटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए ये 1935, ठीक है, और क्रिप्स प्रस्ताव आपका आया था 1942, अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 आया था, वेवेल योजना 1945 आया था। ये सब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो देखिए जब भी हिस्ट्री को अगर पढ़िएगा, हिस्ट्री को तो उसका मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो यहीं सबसे क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के, और वही वही रिपीट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आराम से कर लेंगे। अब यहाँ से इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? देखिए पंचायत जब भंग हो जाती है तो कितने टाइम के अंदर दूसरे इलेक्शन होंगे, तो 6 मंथ के अंदर दूसरे इलेक्शन हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत और छावनी बोर्ड में अगर विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो देखिए इसमें अंतिम निर्णय जो लेता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट किसके कहने पर, किसके मतलब सजेशन पे काम करती है, मतलब एक तरीके से कहें किसके प्लेजर पे काम करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर पे काम करती है, ठीक है, उसके इशारे पे काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसका कौन डिसीजन लेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन सबसे बड़ा नहीं कहेंगे बल्कि सैटर्न का यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है, और अब जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो हैं किस प्लैनेट के पास हैं, तो वो शनि के पास हैं, 82 टोटल हैं, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है वो सेकंड नंबर पे अब चला गया है, उसके पास 79 है सैटेलाइट्स, और इसका सबसे बड़ा क्या था? गैनीमीड है, सबसे पहला बड़ा कौन सा है? गैनीमीड है, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर टाइटन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो डाइवर्सिटी के बारे में बात की है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये हमारे पोल्स हैं और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से इस तरफ आएगा तो क्या होता है? डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, डाइवर्सिटी मतलब कि जो भी प्लांट्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं, यानी कि जिन्हें हम फ्लोरा और फौना कहते हैं, फ्लोरा मतलब जो हमारी वनस्पति होती है और फौना जो है जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो इनके जो डाइवर्सिटी होती है यानी कि इनके टाइप्स, इनकी वैरायटी बढ़ती जाती है इक्वेटर के पास, क्यों? यहाँ पर जो इस तरह का क्लाइमेट रहता है, हाइट होती है वो काफ़ी पास नियरेस्ट रहती है, तो ज़्यादा इस यहाँ पर टेम्परेचर रहता है पोल्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो क्लाउड्स फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी होता है और फिर बारिश होती है, फिर उसी तरह फिर वापस से, तो ये वाले जो प्रोसेस होती है ना पूरी बारिश और टेम्परेचर वाली, ये जो पूरी साइकिल बहुत तेज़ी से यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलती है इक्वेटर के पास। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है, इनकी डाइवर्सिटी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशल्स कहाँ स्थित है? देखिए सेशल्स का नाम आपने ज़्यादातर सुना होगा जब न्यूज़पेपर में आप समिट्स की बात करते हैं, जब भी इंटरनेशनल समिट्स जो होती हैं इंडिया की और किसी कंट्री के साथ, तो ज़्यादातर सेशल्स का नाम वहाँ पर आता है सुनने को, और ये कहाँ पर है? ये है आपका हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, जहाँ पर इधर अफ्रीका, इधर ये हमारा है जैसे इंडिया, और इधर यहाँ पर फिर आ जाते हैं सऊदी अरेबिया वगैरह आता है, फिर यहाँ पे अफ्रीका शुरू होता है, तो यहाँ पर कुछ आइलैंड है छोटे छोटे, मेडागास्कर वगैरह, और यहीं पर सेशल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकर तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोकर तट है गोवा और दमन, दमन से गोवा, ये जो आपका आ जाएगा ये आएगा कोकर तट, ठीक है, कोकर तट, और उसके बाद गोवा से लेकर आपका कुमारी अंतरीप,
कुमारी अंतरीप, ये आ जाएगा आपका मालाबार तट। ये दो तट जो हैं ये इस साइड पड़ते हैं, वेस्टर्न साइड पड़ते हैं, ठीक है। कोकण और मालाबार तट, गोवा से दमन से गोवा, ये कोकण तट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, डोटा बेटा है, अनायमुदी है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनायमुदी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर अनायमुदी दी होगी तो अनायमुदी, मतलब डोटा बेटा अनायमुदी में अगर अनायमुदी ऑप्शन है तो अनायमुदी लगाएगा, अगर डोटा बेटा के साथ कोई और दिया हुआ है तो डोटा बेटा हो जाएगा। देखिए वैसे यहाँ पर अनायमुदी दिया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसके साथ ही ये वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पर है? केरला में देखने को मिलती है, केरला में है ये। डोटा बेटा जो आपकी है ये आपके तमिलनाडु में है, और ये सबसे ऊंची चोटी किसकी है? ये नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी जो यानी कि जो नॉट बनती है ना, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की जो नॉट बनती है नीलगिरी पहाड़ियों पे, तो वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा है। तमिलनाडु के आप कह सकते हैं डोटा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, वरना साउथ इंडिया की अनायमुदी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम है? तो देखिए इसका अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो आरोही क्रम में जाना है, कम ज़्यादा की तरफ अगर जाना है तो ज़्यादा देखिए आपको मिलेगा केरला में देखने को मिलेगा, केरला के तीन ऑप्शन है। इससे कम आप मणिपुर में, यानी कि मणिपुर के भी दो ऑप्शन है, और फिर उत्तराखंड और फिर बिहार, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, सबसे कम बिहार में है सेक्स रेशियो, फिर उत्तराखंड में है, फिर मणिपुर में है, फिर केरला में है। क्वेश्चन देखिए, भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह पाई जाती? कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो वो मिली है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका की। और यहाँ की कॉफ़ी को वो GI टैग भी मिला है, तो उसे भी याद रख लीजिएगा, अरेबिका कॉफ़ी को, ठीक है। कॉफ़ी यहाँ पर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, इंडियन एरिया में नहीं आता है? तो देखिए महानदी आती है, रावी, चिनाब, ब्रह्मपुत्र नहीं आती है। ब्रह्मपुत्र जो आती है ये आपके चाइना तिब्बत वाले पार्ट में आ जाती है, ठीक है, तिब्बत वाले पार्ट में आ जाती है, जो कि चाइना के हिस्से में अब है, और ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चलिए हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना है, थीन जो है रावी नदी पर बना है, और सलाल परियोजना ये आपकी है चिनाब नदी पर, और पोंग बांध जो है आपका ये है बीस यानी कि व्यास नदी पर, ठीक है। तो यहाँ सर इसको मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, यानी कि क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा इनमें से कौन से जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आती है? तो आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आता है। और क्वेश्चन है 25, हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है, ये अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसी गति से, देखिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये अपने अक्ष पर घूमने पर, यानी कि अक्ष क्या होता है, एक इसकी सेल्फ खुद की एक्सेस होती है, ये इसके अकॉर्डिंग रोटेट करता है, उसे हम कहते हैं रोटेट करना, और एक ये सन के चारों तरफ जो ये राउंड लगाता है इसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन करना यानी कि परिक्रमा करना, ठीक है। तो ये जो होता है ये अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है, एकदम सेम टाइम लेता है, इसलिए हमें सिर्फ इसका एक ही पार्ट दिख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? अब देखिए इसमें कार्बनिक चट्टान पूछी है, कार्बनिक बोल दी यानी कि इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे मोटा मोटा दिखाई दे रहा है कोयला जो है, ये आपका बेस्ट सामने दिख रहा है, कोयला क्या हो गया, ऑर्गेनिक रॉक हो गई, ये एक ऑर्गेनिक रॉक हो गई, ठीक है। अब ये कौन से टाइप की हैं? देखिए चट्टानें जो होती हैं रॉक्स, ये आपकी तीन टाइप की होती हैं, एक होती है इग्नियस यानी कि जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनती है। दूसरी होती है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी, शॉर्ट में लिखेंगे हम अवसादी चट्टाने। तीसरी होती है मेटामॉर्फिक, ये आपकी बनती हैं रूपांतरण से,
ठीक है, रूपांतरित चट्टानें, ये तीन टाइप की होती हैं। अब देखिए इनमें से संगमरमर और स्लेट जो हैं ये आपकी हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ग्रेनाइट जो है आपकी इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है। देखिए अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं, अर्थ तीन उसमें जोन में बटा होता है, ये सेंटर वाला कोर होता है, कोर, और उसके बाद वाला मेंटल होता है, और सबसे बाहर वाला क्रस्ट होता है यानी कि जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम प्रचुरता की बात करें, सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है, फिर उसके बाद आपकी आती है सिलिका आती है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो दे नहीं है, तो आप सिलिका को इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, का है एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑक्सीजन दिया नहीं तो सिलिका हो जाएगा। निम्न में तीन एक प्रकार के हैं और चौथा बेन है, उसका चयन कीजिए। इनमें यनिसी, डेन्यूब, मैकेंजी और मिशिगन। देखिए यनिसी, डेन्यूब और मैकेंजी तीनों रिवर हैं, मिशिगन भी रिवर है, बट ये लेक जो लेक के फॉर्म में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मिशिगन जो है ये लेक के फॉर्म में ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये इसका क्या हो जाता है, ऑड हो जाती है मिशिगन। ये कहाँ पर है, ये आपके USA में है। इनकी जगह बता देते हैं, मैकेंजी आपकी कहाँ है, मैकेंजी कनाडा में है, डेन्यूब आपकी है यूरोप में है, और यनिसी आपकी है रशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में, ये जर्मनी में है। रूर बेसिन के नाम से ये कोयले के लिए बहुत फेमस है, कोयले के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दो तिहाई से अधिक टिन किस देश से आती है। दो तिहाई से भी ज़्यादा टिन किस देश से आती है, वो है चाइना। वर्ल्ड की दो तिहाई, ये याद रखिएगा, किस देश से आती है टिन, चाइना से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। देखिए भारत में पूछा था तो कर्नाटक आपका स्टेट हो गया था, अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है यानी कि प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, तो प्रोडक्शन के मामले में ब्राज़ील है, फिर आपका आता है वियतनाम, वियतनाम तीन तो याद होने चाहिए, उसके बाद आता है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। एस्किमो अलास्का सही है, अफ्रीदी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका पिग्मी कॉन्गो बेसिन सही है, बोडोनियस अरब के उत्तरी भाग की बिल्कुल सही है। देखिए ये ट्राइब्स ये सब दी हैं, ये जो हैं ये ट्राइब्स हैं और ये इसकी जगह है। तो एस्किमो कहाँ मिलते हैं आपको, अलास्का में देखने को मिलते हैं। पिग्मी जो ट्राइब है ये आपको कॉन्गो की बहुत फेमस है, बोडोनियस जो है और ये आपके अरब के पार्ट की है। ठीक है, तो अफ्रीदी जो है ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की नहीं है, बल्कि अफ्रीदी जो ट्राइब है ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में पेशावर वाले तरफ हिस्से की हिस्से में है अफरीदी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। मुख्यमंत्री की करता है, सदस्य राज्य लोक सेवा यानी कि स्टेट PSC जो होता है उसकी करता है, उसकी करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, एडवोकेट जनरल इसकी करता है। देखिए ये सबकी CM और इन सबकी करता है, सिर्फ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता है। अब इसकी कौन करता है नियुक्ति, गवर्नर नहीं करता है तो कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है आपका जो राष्ट्रपति करेगा, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रेसिडेंट किसी न किसी सलाह पर करता है। तो इसमें तीन लोग होते हैं शामिल, एक जिस भी स्टेट के जज को जहाँ पर इसको लाना है इसकी सीट, तो वहाँ पर पहले से कोई होगा वहाँ पर, है ना, वहाँ पर पहले जज होगा वो होगा हाई कोर्ट जज, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है CJI, और इसके अलावा गवर्नर होगा, स्टेट गवर्नर। ठीक है, ये तीन लोग होंगे, इनके परामर्श पे प्रेसिडेंट करेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाली पद्धति संबंधित है, हाली पद्धति जो है वो बंधुआ मजदूर से रिलेटेड, बंधुआ मजदूरी क्या होती है आप सबको पता होगी, हाली पद्धति इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करनी है, बारदोली सत्याग्रह ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय ये NG रंगा ने बनवाया था,
किसान विद्यालय, ये ध्यान से देखिएगा, भारतीय किसान सभा नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने बोला भारतीय किसान विद्यालय, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। एनजी रंगा ने बनवाया था, ठीक है, और बंगाल प्रजा पार्टी, ये जो है ये फजलुल हक ने बनवाई थी, उनकी थी ये, और बाकाश्त संघर्ष ये जो था ये स्वामी श्रद्धानंद स्वामी के था, ये बिहार के थे। और इस बाकाश्त का मतलब क्या होता है, बाकाश्त का मतलब होता है ऐसी लैंड का पार्ट जिस पे वो खुद खेती कर सकते हैं, मतलब स्वयं खेती करने वाला लैंड जो होती है उसे बाकाश्त कहते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रगल पूरा किया था वो इनके अंडर में था, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। यहाँ से आप मैच करवा लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान है। देखिए हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, कब हुआ था ये, 1938 में। कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं, उनके ईयर भी पूछ लिए जाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, 1938 में हुआ था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, ये कानपुर अधिवेशन में थी, ये 1925 में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये आपका नासिक अधिवेशन में थे। डॉक्टर एम ए अंसारी, ये मद्रास अधिवेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA को कन्वर्ट करके उसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के पास इन्होंने यहाँ पर किया था, शचिंद्र सान्याल के थ्रू जो HRA बनी थी उसका नाम बदलकर HSRA कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। देखिए नेशनल इमरजेंसी की जब बात आती है, नेशनल इमरजेंसी की बात आती है आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल पता होना चाहिए। तीन आर्टिकल आते हैं, 356 एंड 360, ठीक है। 356 में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, और 360 फिनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है। ये हो गया तीनों। अब देखिए कब होता है, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सांप्रदायिक संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह। तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, इनके टाइम पे या फिर कहीं पे बैटल हो रही हो, युद्ध हो रहा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ग्रासलैंड दिए गए हैं और यहाँ पर उसकी प्लेसेस दी गई हैं। तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना हो गया, बिल्कुल सही है। कंपोज आ जाएगा ब्राज़ील। प्रेरीज आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। वेल्ड आएगा साउथ अफ्रीका। डाउंस आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डाउंस और रेंजलैंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो पंपास अर्जेंटीना रखिएगा। इसके अलावा आपका साउथ अमेरिका में ब्राज़ील का पार्ट जो है वहाँ पे कंपोज, लानोस, ये दो आते हैं, पूछे जाते हैं, कंपोज और लानोस। इसके अलावा प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है इसमें, और वेल्ड साउथ अफ्रीका आ जाता है। यहाँ पर आप मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। देखिए स्वतंत्रता यानी कि जो फ्रीडम है ये किसके अपोजिट होती है, जो अपोजिट होता है उसी के थ्रू उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो ये अपोजिट होती है विधि के यानी कि लॉ के। अगर किसी भी चीज़ में हम कानून नहीं बनाएंगे तो उसमें रोक कैसे लगेगी, ठीक है। और अगर हम कानूनी सिर्फ चलेगा तो फ्रीडम नहीं होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं। तो उसे सीमित यानी कि लिमिटेड किस तरह किया जा सकता है, विधि द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज है और इसका पूरा नाम था डेमोक्रेटिया। इसमें डेमो का मतलब होता था पीपल और क्रेटस का मतलब होता था रूल यानी कि शासन, यानी कि लोगों के थ्रू किया गया शासन, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ये 2011 में आरंभ की गई। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा तो ये आपकी ब्याज की अदायगी,
यानी कि जो यूनियन आपका बजट आया था अभी 21-22 यूनियन बजट जो आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी लोन लिए गए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए तो उनको अदा करने का ये सबसे बड़ा खर्च रहा, एक्सपेंडिचर रहा, ये 21-22 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, यानी कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता की वजह हमें पता करना है, तो वो है जनसंख्या का दबाव, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा कार, प्रचंड बेरोजगारी जो है ये इसकी वजह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफे शब्द संबंधित है, देखिए ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निफे उसमें बहुत अच्छे से सब चीज़ें बताई हैं, निकेल और आयरन, फेरस कहते हैं इसे, फेरस, तो वहाँ से लिया गया ये निफे। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको मिलती है कोर में, अर्थ के कोर में। अभी बात की थी क्रस्ट की यानी कि परपटी की, उसमें कौन से एलिमेंट थे, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी, उसके बाद सिलिका, लेकिन कोर में क्या, ये दो आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे, निकल और आयरन। ठीक है, यहाँ पर जो कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर होता है, निकल और आयरन। नेक्स्ट है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे 50 डिग्री पूर्व देशांतर, पूर्व देशांतर कह रहे हैं यानी कि ईस्ट आपको जाना है, लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड चलना है, तो ये स्थित एक जगह पर समय क्या होगा, तो देख लेते हैं। देखिए ये हमें पता है कि जब हम इस तरह से ग्लोब में लाइंस पड़ी होती हैं, यही हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, तो जब भी हम इस तरफ जाते हैं तो हमें टाइम को ऐड करना होता है, जब भी हम इस तरफ जाते हैं तो हमें टाइम को माइनस करना होता है। ठीक है, ये अर्थ रोटेशन डायरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ 0 डिग्री से जब हम इस तरफ जाते हैं तो अभी यहाँ क्या है, 12 बजे ग्रीनविच टाइम पे, वहीं से लाइन खींची गई है ये, तो इसके अगर हम ईस्ट जाएंगे, ईस्ट इन्होंने बोल दिया है 50 डिग्री जाएंगे, तो देखिए 1 डिग्री पे जो फ़र्क आता है वो आता है 4 मिनट का, 4 मिनट का आता है। ठीक है, तो 4 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 200 मिनट्स। अब 200 मिनट्स में कितने हमारे घंटे आ जाएंगे, ये तो हो गया मिनट। ठीक है, अब घंटे इसमें कितने आ जाएंगे, 60 प्लस 60 6 3 18 होता है ना, यानी कि ये पूरा 180 आएगा, 180 ये बन गया, उसके बाद 180 प्लस 20 ये आपका 20 अलग से बन गया। ठीक है, तो ये 60 60 60 ये 1 आवर 1 आवर 1 आवर 3 आवर हो गए, यानी कि 12 से अगर हम 3 आवर 12 प्लस 3 आवर करें तो कितना हो जाएगा, 3:20। ठीक है, 3:20 ये वाला ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेशन अगर पता होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय, अभी देखिए इसको एक बार हम हिंदी में पूरा बता देंगे क्योंकि इंग्लिश वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो पहले हिंदी में बता देते हैं फिर इंग्लिश में अलग से बता देंगे। देखिए कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय, यानी कि जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, तो ये टोटल की बात की जा रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बजटीय घाटा आपका। ठीक है, बजटीय घाटा हो गया। उसके बाद है राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय, राजस्व बात आ गई है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, देखिए अधिकता तो होगा हर उसमें, क्यों, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या, सारे घाटे की बात हो रही है। घाटा कब होगा, जब इनपुट आएगा कम और जाएगा ज़्यादा, हमसे पैसा जाएगा ज़्यादा, यानी कि गवर्नमेंट से पैसा जाएगा ज़्यादा और आएगा कम, तब होगा घाटा। और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा व्यय जो है ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा तो सब में दिया है, बस हमें ये टर्म की बात करना है कि यहाँ पर क्या दिया, राजस्व प्राप्तियाँ दी हैं की तुलना में राजस्व व्यय की बात की गई, यानी कि ये कौन सा हो गया, राजस्व घाटा हो गया। थर्ड है ऋणादानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। अब इसमें क्या किया, कुल, अभी हमने बजट ही बात की थी, इसमें क्या ये टर्म इंक्लूड कर दिया है, ऋणादानों को घटाकर, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, जो लोन लेते हैं, जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसको अगर हटा दें, उसको बाहर कर दें, तो कौन सा हो जाएगा घाटा हमारा, तब हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, ऋणादानों को घटाकर। उसके बाद ऋणादानों के साथ ही साथ हम क्या जोड़ दें, ब्याज अदायगी। अब जो लोन लेते हैं उसमें क्या, उसमें इंटरेस्ट भी तो देना होता है, उस लोन को अगर टाइम पर दिलवाएंगे तो इंटरेस्ट भी तो उसमें ऐड होता जाता है, एक इंटरेस्ट पर हमें लोन मिलता है, तो जब हम इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं, घटाकर कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय, ये वही रहेगा।
ठीक है, बस इसमें क्या ऐड हो गया, ऋणादान और ब्याज अदायगी, तो आपका कौन सा घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया। समझ में आ गया। अब इंग्लिश वाले देख लीजिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका है ये कुल प्राप्तियों की तुलना में, यानी कि जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, तो आपका कौन सा हो गया, बजटी घाटा हो गया, बजटी डेफिसिट हो गया। सेकेंड आपका देखिए राजस्व प्राप्तियों की तुलना में, राजस्व यानी कि जो आपका रेवेन्यू रिसीट है उसके कंपेरिजन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। थर्ड देखिए ऋणादानों को घटाकर, इसमें ऋणादानों को घटाया गया है, यानी कि जो भी आपकी बोरोइंग्स होती हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, उनको हटाकर टोटल रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो आपका कौन सा हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो दिया है ऋणादानों और ब्याजों को घटाकर, अब यानी कि इसमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया गया है, ऊपर से इसमें क्या ऐड किया गया है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को भी ऐड कर, उसको एक्सक्लूड करके जो आपकी कुल प्राप्ति यानी कि टोटल रिसीट्स जो हो रही हैं आपकी, रिसीट और आपके टोटल एक्सपेंडिचर उसमें ज़्यादा है, तो वो आपका आ गया प्राइमरी डेफिसिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका A3, B1 और C2 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज़ नहर जोड़ती है, स्वेज़ नहर जो होती है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर रिवर दी है और उसके पास की सिटी दी गई, तो देखिए टाइग्रिस बगदाद ये बिल्कुल सही है और सिर्फ यही सही है, कौन सा सही है पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, देखिए पेरिस शहर की हम बात करें तो ये आपकी है सीन रिवर के पास, रोम की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगी टाइबर के पास, ठीक है, जो इसमें दिया है टाइबर, रोम टाइबर, बोन जो है ये आपकी राइन है, राइन नदी के पास बोन, बगदाद टाइग्रेस ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती कहलाती है, त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है ये आपकी गर्म मुद्रा कहलाती है, यानी कि हॉट मनी कहलाती है, ये होती क्या है, देखिए जो आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होते हैं उनकी वजह से जो आपका पेमेंट उसमें प्राइस जो चेंज होते रहते हैं शेयर मार्केट में, फ्लो बहुत स्मूथली होता है, फ्लो जो होता है इसका बहुत स्मूथली होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसलिए इसे हॉट मनी कहते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में इसमें प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे गिरती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, आप लोग को पता है शेयर मार्केट में कैसे होता है, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो आपका हॉट मनी ये आपकी हो जाती है, विदेशी मुद्रा है। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं SST के, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग जल्दी प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आपका तब 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके बचेंगे सिर्फ 4 प्रैक्टिस सेट SST के बच जाएंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।